हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सारे एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं अनएकेडमी पे जैसे फिजिक्स के लेक्चर ले रहा हूँ, तो अभी जो है केमिस्ट्री के लेक्चर भी स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको रिक्वेस्ट कर रहे थे केमिस्ट्री का फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो वो भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। जो भी लिंक है सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे लाइव लेक्चर्स रहते हैं और सारे के सारे लेक्चर फ्री है। आपको बस कोड यूज़ करना है लेक्चर में एनरोल करने के लिए, omkar_96, और जहाँ पे आप सारे लेक्चर फ्री में अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि आप DPP प्रोवाइड करो, आप DPP प्रोवाइड करो, लेकिन आपको जैसे शेड्यूल पता है बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, तो यहाँ पे अनअकैडमी के तरफ से ही आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी 100% फ्री रहेगा। ठीक है, उसका भी कोई भी एडिशनल चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं, ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है। बस आपको नीचे गए लिंक पे जाना है, लिंक पे जाके क्लिक करो, वहाँ पे कोड यूज़ करो omkar_96। एवरी डे 7:30 DPP रहेगा, 15 क्वेश्चन 30 मिनट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका शेड्यूल। वीडियो को जो है स्टार्ट करेंगे, पूरा अपडेट स्टार्ट टू एंड देखिएगा, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पे बात करते हैं आज के अपडेट में। आपका जो एग्ज़ाम था वो तो होके बहुत टाइम हो गया, तो रिज़ल्ट का क्या चल रहा है? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अपडेट ही नहीं है, आप कुछ वीडियो ही नहीं डालते, वीडियो ही नहीं डालते। उसका मेन, सबसे मेन रीज़न ये है कि जेन्युइनली कोई भी अपडेट आया नहीं है। MUHS के वेबसाइट पे कोई भी अपडेट, अपकमिंग रिज़ल्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया। और आप सबको पता है मैं अनऑफिशियली बहुत कम अपडेट देता हूँ, तो जो भी जेन्युइन अपडेट रहता है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट का वीडियो एक या दो बार ही बनाता हूँ, क्योंकि MUHS का काम ऐसा है, आप लोग खुद भी जानते हो, कंटिन्यूस डेट जो है आगे 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 बढ़ाता जाता है। तो यहाँ पर भी ये टाइम वही हो गया। सबसे पहले रीज़न दिया कोविड, उसके बाद में रीज़न दिया टेक्निकल इशू। अभी जो है अगर आप चेक करोगे तो फाइनल ईयर के कुछ रिज़ल्ट आए थे, उसके बाद अगर आप चेक करोगे वेबसाइट तो वेबसाइट लैग होता था। BSLB जो कोर्स है MUHS का, तो वहाँ पे भी रिज़ल्ट आ गया है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस है जो कि MUHS के मेन कोर्स से सब्सिडरी कोर्स है, वहाँ पर रिज़ल्ट आ चुके हैं। बात करेंगे जो आपके 4 से 5 जो कोर्सेस है, जैसे कि BHMS, MBBS, BDS, BAMS, और बाकी भी बच्चों को गुस्सा आता है जिनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी सारे मेन कोर्सेस, मेन स्ट्रीम कोर्सेस है, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि आपके पेपर ऑलरेडी चेक होके रेडी हैं। साथ में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वो भी MUHS के पास आ गया है। तो वेट किस बात का चल रहा है? तो आपके जो थियरी मार्क्स रहते हैं उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ अलाइन करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी चल रही है। मतलब पेपर आपके जो चेक करके हो गए हैं, प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन का मार्क्स भी आपको मिल गया है, लेकिन बस वो अलाइन करके अभी अपडेट करना है। तो बीच में एक दिन ऐसा भी हुआ था कि रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आया, बहुत लोगों का आ जाता मैसेज, लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर चेक किया तो वेबसाइट पूरा डाउन। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बैकहैंड पे काम शुरू है, ना कि कुछ टेक्निकल इशू है उसके वजह से अपलोड होता है फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अनऑफिशियल अपडेट यही है, अजीत पाठक सर ने भी बोला था बीच में कि रिज़ल्ट आपका आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कब तक टाइम लगेगा? तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था 20 तारीख तक आ सकता है, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली 30 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, जो भी स्ट्रीम है सारे के सारे। ठीक है, सेकेंडली पहले ऐसा रहता था फाइनल ईयर, फिर आपका थर्ड, फिर सेकेंड, तो ये बारी ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ ही सबके पब्लिश हो जाए, या सुबह फाइनल ईयर और शाम को फर्स्ट ईयर तक के रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग ये बारी हो सकती है, क्योंकि जो MUHS के प्रोफेसर्स है, जो भी टीम है, वो आपके पेपर छोड़ के भी बहुत सारे कामों में बिजी है। ठीक है, तो जैसे ही जेन्युइन कोई भी अपडेट आता है ज़रूर मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई चालू रखो।